लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हादसा, 8 लोगों की मौत, 28 घायल। सीएम योगी ने दुख जताया, एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। दूसरी ब्रेकिंग, आईएएस पूजा खेडकर पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। केंद्र सरकार ने पूर्व ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर को भारतीय प्रशासनिक सेवा से तत्काल प्रभाव से सेवामुक्त किया। तीसरी ब्रेकिंग, हरियाणा चुनाव में कांग्रेस से आपके गठबंधन की खबरों के बीच आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक का बड़ा बयान, कहा हम पूरे तरीके से तैयार। चौथी ब्रेकिंग, गठबंधन पर हरियाणा के एआईसीसी प्रभारी दीपक बावरिया का बयान, कहा मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है और पिछले 2 दिनों में राघव चड्ढा के साथ ये मेरी दूसरी या तीसरी मुलाकात थी। पांचवी ब्रेकिंग, विनेश फोगाट को कांग्रेस से टिकट मिलते ही फायर हुए ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा विनेश बजरंग कांग्रेस की लुटिया डुबोएंगे, पार्टी कहेगी तो हरियाणा में प्रचार करूंगा। छठी ब्रेकिंग, आज विनेश फोगाट का जींद के बक्ताखेड़ा में सम्मानित, उन्हें किया जाएगा जींद में हरियाणा कांग्रेस प्रकोष्ठ की बैठक में लिया गया फैसला, विनेश को पौलीगांव से जुलूस के साथ गांव तक लाया जाएगा। सातवीं ब्रेकिंग, हरियाणा बीजेपी में इस्तीफों का दौर जारी है, पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्या ने इस्तीफा दिया, बीजेपी के पूर्व एमएलए बलकौर सिंह ने भी छोड़ी पार्टी, टिकट न मिलने से नाराज। आठवीं ब्रेकिंग, जींद के सफीदों से बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार गौतम का विवादित बयान, कहा जो मेरे साथ देगा उसका फल लगेगा, जो मेरे साथ नहीं देगा उसका बीज भी नहीं जमेगा। नौवीं ब्रेकिंग, हरियाणा चुनाव में बीजेपी की टेंशन बढ़ाने की तैयारी में किसान संगठन, 15 सितंबर को जींद के उचाना कला किसानों ने बुलाई महापंचायत, देश के कई राज्यों से हजारों किसानों के आने का दावा। दसवीं ब्रेकिंग, आज मुंबई के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुंबई समाचार की डॉक्यूमेंट्री लॉन्च समारोह में होंगे शामिल, शाम 7:30 बजे होगा कार्यक्रम। ग्यारहवीं ब्रेकिंग, आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रामबन और बनिहाल में सार्वजनिक रैलियों को करेंगे संबोधित, पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। अगली ब्रेकिंग, अमेरिकी दौरे पर गए राहुल गांधी डलास में टेक्सास यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करेंगे, साथ ही वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासियों से करेंगे मुलाकात। तेरहवीं ब्रेकिंग, अजित पवार की एनसीपी और शिवसेना के बीच विवाद जारी है, गुलाबराव पाटिल ने अजित पवार के वित्त मंत्रालय को बताया सबसे बेकार और नालायक मंत्रालय। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, कुकी मैतई के बीच फायरिंग, जिरीबाम इलाके में हुई हिंसा, 5 लोगों की मौत। कोलकाता कांड के विरोध में आज न्याय दिलाने के लिए जुटेगा पूरा बंगाल, रिक्लेम द नाइट आंदोलन के साथ सड़कों पर उतरेंगे लोग। उत्तराखंड के चमोली में भीषण लैंडस्लाइड से हड़कंप मचा, भारत चीन बॉर्डर पर सुरक्षा बलों की आवाजाही बाधित, नीति घाटी के दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा। सूत्रों के हवाले से खबर, एनएसए अजीत डोभाल रूस जा सकते हैं युद्ध को खत्म करने के संदर्भ में, पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई थी बातचीत। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने टेहा बिजनेस फोरम के मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की और कहा भारत और चीन जैसे देश रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।